It's okay. Really good. First of all, big congratulations for your next album, Vaaste. Thank you. So tell us something about your new single album. The single is basically a love story wherein the girl suffers heartbreak but then finds love in the end. But the story is different, so to know that you'll have to watch the video on the T-Series YouTube channel. Okay, Vaaste ke baare mein baat karein, so people are eagerly waiting for you for your next, aur Lehra ko bahut hi acha response mila hai. So what was the response you are getting Until now, I think I'm getting a good response people are liking the work I do. They're liking my voice, which I'm very grateful for. और आगे भी मुझे अपने आप पे काम करना है और you know सीखना है और अच्छे videos और गाने गाने हैं. तो I think I'm working on it and hopefully people will support me. Okay, then आपने बहुत कम समय में बहुत नाम कमा लिया है. आप ये बता दीजिए कि singing की आपने तालीम कहाँ से ली? सो मैं स्कूल में पहले क्वायर में गाती थी बट उसके बाद मैं हिमेश सर से मिली और उसके बाद जब मैं 17 साल की थी तब मैंने क्लासिकल चालू किया. दिवस सॉन्ग के भी बारे में एक किस्सा हमने सुना है, शायद तो पहले किसी और को अप्रोच किया गया था, कुछ बाद में आप को ऐसा सही है? ये मुझे पता नहीं है बट मैंने भी उससे क्यू ट्रैक की तरह गाया था और नेहा मैम ने भी उससे क्यू ट्रैक की तरह, मुझे पता नहीं, शायद गाया हो क्योंकि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, शायद उन्हें पूरा गाना गाना मिलने वाला था. बट समहाउ डायरेक्टर्स लाइक्ड माय वॉइस और जो पार्ट्स मेरे रिटेन हुए हैं, जैसे वो अंतरा है और स्टार्टिंग की जो 5 लाइनें हैं, आई थिंक उनको ये टेक्स्चर चाहिए था जो मैंने गाया, तो उनका डिसीजन है. आई मीन मैंने कुछ किया नहीं. कितने रोई में? But what was the mantra? आपने हाँ. recently या कुछ यूज नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने. या ऑब्वियसली. सो क्या था, हमने सुना कि आपने कुछ डैडी को कॉल किया, फिर क्या प्रोसेस? Who told him all this? What was it? No, there was nothing actually. I'm very close to my father और किसी और चीज से रोती नहीं. अनलेस मेरे डैड ने मुझसे कुछ कहा हो या कुछ इमोशनल बातें हो, आई एम वेरी अटैच्ड टू हिम. सो अगर वो अगर मुझसे थोड़े भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो मेरे टप 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 निकल आता है, तो मैं उनसे बात करती हूँ. डू यू थिंक ये सिंगल एल्बम आपके जो पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि 300 इयर्स हाँ लैला नहीं ले जा लैला को भी 10 मिलियन भी नहीं हुआ है, 8 मिलियन हुआ है. हाँ, तुम अपना फैक्ट क्लियर करके आना नेक्स्ट टाइम. सो क्या कहना चाहेंगे, रिकॉर्ड्स बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड है. बेसिकली अभी मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है या कुछ. हम सिर्फ स्ट्राइव करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बाहर आए और जितनी भी जनता देख रही है उनके दिल में बसे. 100 हो 200 लोग हो, 10 लोग भी हो, बट उनको उन्होंने अगर वीडियो देखा है तो उनके दिल को छूना चाहिए, ये मेरा मोटो रहता है. आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती. मुझे अपनी फॉलोइंग स्क्रैच से बढ़ानी पड़ी और उसी के लिए आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूजुअली क्यों अभी सब डिजिटल हो गया है तो टीवी ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, तो उसके लिए तो सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़रूरी है. और अगर और यू नो जब आपकी सॉन्ग्स बाहर नहीं आते तो आपका फ़ैन कैसे आपसे कनेक्ट करेगा, उसको आपकी पूरी लाइफ पता होनी चाहिए. अच्छा, आपने अपने डैड के बारे में बात किया, आपके मॉम के बारे में भी कुछ बताइए कि मेरी मॉम बहुत मुझसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी मॉम से भी. मैं दोनों से बहुत अटैच्ड हूँ जैसे हम सब होते हैं. और सो बेसिकली वास्ते में ऐसा है कि मैं अपने मॉम से बहुत अटैच्ड हूँ. yes. तो मैंने यहाँ पे टैटू कराया है, फेक है. सो आई थिंक इट्स अबाउट अ चाइल्ड्स यू नो लव टूवर्ड्स देयर मॉम, एंड इस एज ग्रुप में बहुत होता है और आगे भी होता है, बट इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा होता है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई. ओके, लास्ट क्या कहना चाहेंगे योर फैंस, एनी मैसेज यू लाइक टू गिव? जस्ट कीप लविंग व्हाटएवर आई डू.
sorry, but just keep loving my songs like you all have. You know, Leja and Main Teri Hu and Leila wouldn't have been here without your support and love. Or I promise I will always be true to my art and will always give a better product every time. Thank you. Thank you.